नमस्कार मित्रों, मसाल चौक विस्तार में आवेला जय अपार्टमेंट में आज सवारे 9:30 वाग्यानी आसपास एक दुकान में आग लागी गई थी। आ होनारत में दुकानों लगभग 90% हिस्सो बढ़ी खाक थी गयो हतो। मळेली जानकारी मुजब मसाल चौक पासे आवेला जय अपार्टमेंट नी अंदर आवेली दुकान जेना पर अलू केर डेनिम नामनो बोर्ड चितरवामां आव्यो छे, एवी दुकान में सवारे 9:30 कलाकना आसपास भीषण आगे पोतानुं स्वरूप लीधुं हतुं। जे आगळनी एक अज्ञात व्यक्तिए फायर विभाग ने फोन करता खूब ज टूंका समय में फायर ब्रिगेडनी टीम घटनास्थले पहोंची गई हती। आग लागवानुं कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बतावामां आवी रह्युं छे। धमाको एटलो प्रचंड हतो के दुकाननुं शटर जग्या परथी उड़ीने मेन रोडनी बाजूमां जई पड्युं हतुं अने आ लोखंडी शटरे त्यां पार्क करेली एक कारने पण नुकसान पहोंचाड्युं छे। जानकारी मुजब घटनानी जग्याए कोई जानहानि थई नथी। फायर ब्रिगेडना जवानोए टूंक समयमां ज आग पर काबू मेळवी लीधो हतो। पूरा बिल्डिंग में प्रॉब्लम है। पूरी बिल्डिंग का क्या तीन पाने कनेक्शन है, इसमें अलग अलग कनेक्शन का कनेक्शन है। हम लोग का वो एरिया चालू था, रोड का एरिया में से आग लगी तो एक एरिया लाइट तो बंद हो गया। यही दुकान में आग लगी है। यही दुकान में आग लगी और कोई नहीं। ये कौन से बिल्डिंग का नाम है? जय अपार्टमेंट। जय अपार्टमेंट कहाँ पे है? साई गुफा अपोजिट के सामने। साई गुफा अपोजिट के सामने दुकान के मालिक का नाम क्या? वो पता नहीं सर, मालिक कौन है अभी उसको पता नहीं चलेगा। अभी वो कंपनी कितने को ले आया था, आ रहा है कंपनी का बोल करीबन 954 को अग्निशमन विभाग को सूचना मिली कि मसाल चौक स्थित जय अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर में जो डेनिम फैक्ट्री आउटलेट शॉप थी उसमें फायर लगा है। इस प्रकार की सूचना हमें मिली। सूचना मिलते ही तुरंत ही कर्तव्य पर तैनात जो कर्मचारी थे वो तुरंत गाड़ी लेके निकल पड़े और करीबन 9 से 10 मिनट के अंदर मसाल चौक गाड़ी आ पहुँची और आपको जाकर कंट्रोल में ले लिया। जहाँ तक आग स्प्रेड होने का सवाल है वो सिर्फ शॉप में है। आस पास की जो दूसरी शॉप थी वो बंद है, एक खुली है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आग स्प्रेड होने का कोई समाचार नहीं है। हमने भी पर्सनली देखा है लेकिन उसकी कोई आगे ये नहीं थी। उसके अलावा ऊपर की जो सेकंड फ्लोर में जो रेजिडेंशियल फ्लैट है उसमें भी हमने देख लिया कि वहाँ भी किसी प्रकार की आग या कुछ ये नहीं हुआ है। इनसे पहले हमारी गाड़ी आने से पहले जिस शॉप में जो फायर हुआ था उस शॉप में धुआं की वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो बढ़ा हुआ था, उनकी वजह से जो शटर था वो एक्सप्लोजन होके थोड़ा ब्लास्ट होके बाहर की तरफ थ्रो हुआ है। शटर में वो बाहर जो एक गाड़ी जो खुली थी हुंडई उनकी जो गाड़ी खुली थी उनके विंडो के ग्लास वगैरह का नुकसान हुआ है। बाकी दूसरा कोई हताहत होने की कोई